लेकिन यीशु कभी नहीं सोता. यस ही इज ऑलवेज लुकिंग आफ्टर ऑल ऑफ यू. ओ जेड़े यीशु दे लहू च रंगे के ओ नदी गल घोर हो गई. जेड़े यीशु दे लहू च रंगे के. दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि पिछले कल प्रोफेसर रविंद्र सिंह जी ने चंडीगढ़ चर्च में एक सभा रखी हुई थी, जो कि उन्होंने अपने बर्थडे के खास मौके पर रखी थी, जिसमें उनको शुभकामनाएं देने के लिए वहां पर कई बॉलीवुड सितारे भी आए हुए थे, जिनमें से चंकी पांडे, आदित्य पंचोली, सुनील पॉल, स्नेहा उलाल और राखी सावंत के भाई भी शामिल थे. और दोस्तों, इन बॉलीवुड सितारों के लिए प्रोफेसर जी ने प्रार्थना भी की. और साथ ही आपको बता दें कि परमेश्वर ने इन बॉलीवुड सितारों के द्वारा अपनी महिमा भी वहां पर करवाई, जिसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब बॉलीवुड सितारे वहां पर हालेलुया के नारे लगा रहे थे और साथ ही प्रभु की बड़ाई और महिमा भी कर रहे थे, साथ ही प्रोफेसर जी के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए भी उनकी प्रशंसा करते हुए नज़र आ रहे थे. इसके अलावा दोस्तों, वहाँ पर क्या क्या हुआ, आइए मैं आपको इन वीडियो क्लिप्स के ज़रिए दिखाता हूँ, जिन्हें देखकर आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा. तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इन वीडियो क्लिप्स को. सो गया ये जहां, सो गया आसमान, तालियां, सो गई है सारी मंजिलें, हो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता. लेकिन यीशु कभी नहीं सोता. यस ही इज ऑलवेज लुकिंग आफ्टर ऑल ऑफ यू. ओ जेड़े यीशु दे लहू च रंगे के ओ नदी गल घोर हो गई. जेड़े यीशु दे लहू च रंगे के ओ नदी गल घोर हो गई. भावे के दाए जमाना जो भी के भावे के दाए जमाना जो ओ नदी गल घोर हो गई. जेड़े यीशु दे लहू च रंगे ओ नदी गल घोर हो गई. सारे बोलो हालेलुया. ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष दें. देखो, हमारे यहाँ पर फिल्म स्टार राखी सावंत ने सब फिल्म स्टारों को बताया. धीरे 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 हमारे सुनील पॉल जी भी कहने लगे हम भी जाएंगे. चिकी पांडे जी ने कहा हम भी जाएंगे प्रॉफिट जी से आशीर्वाद लेने. और ये मेरा भी सौभाग्य है, जिनको मैं बचपन से देखता था, मैं उनके लिए दुआ कर सका. आज इनका ये गीत अच्छा फेमस हुआ, लेकिन एक जरिए है, ये भी एक जरिए है. परमेश्वर, याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ. मैं एक वचन आपको बता रहा हूं, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर जब तक यीशु मसीह को नहीं भेजेगा बादलों पर, जब तक जाति जाति के पास सुसमाचार नहीं पहुंच जाएगा, जब तक बच्चे बच्चे को पता नहीं लग जाएगा, और मेरा मानना है जब तक ये फिल्म स्टारों को भी पता नहीं लग जाएगा. तो आज ये सबको, स्टारों को भी पता लग गया है यीशु ही परमेश्वर है. समझ रहे कि नहीं? लेकिन ये सच में इनकी आस्था है कि हर एक जगह ये परमेश्वर के नाम को भय मानते हुए सिर झुकाते हैं. लेकिन हम भी उसी जात में से थे, हमें पता नहीं था, लेकिन जब सच्चाई का पता लगा तो अब ये सिर सिर्फ यीशु के सामने झुकता है. प्रभु की महिमा होती है. लेकिन अब सच्चाई का मैं कह रहा हूँ कि जो इन्होंने प्रार्थना कराई, हर व्यक्ति नहीं कराता, ये पवित्र आत्मा की ओर से इन्होंने मुझे बोला. देखो, फिल्म एक्टर तो और भी आए, लेकिन इनके अंदर पवित्र आत्मा ने श्रद्धा डाली, इनके अंदर जिज्ञासा डाली कि बॉन प्रॉफिट को और अपनी बेटी के लिए दुआ करा. सच है कि नहीं है? और यहाँ से यही एक शुरुआत होती है प्रभु के काम करने की. आज से इनको पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है कि नहीं. आप भविष्यवाणी के दरबार में आए हैं कि नहीं, आप प्रोफेटिक मिस्ट्री में आए हैं कि नहीं, पता लगेगा. इन्होंने भी जब देखकर कहा, आदित्य पंचोली ने जब भी कहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो शुरुआत शुरू होगी यीशु मसीह के नाम में. जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने गाकर यीशु मसीह के बारे में बताया है, जो इनके अंदर कला है, वो हर एक की बस की बात नहीं है. क्योंकि बाइबल कहती है कि आशीर्वाद जो है ऊपर से आता है, और परमेश्वर कह रहे हैं किसी को उठाता है किसी को गिराता है, उसकी मर्जी है, ये याद रखना. लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद होते हैं वो गिरता नहीं है, वो उठता है, वो बुढ़ापे में भी उठता रहता है.